नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप सभी को पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन हमें ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभाएं भी आयोजित करनी होती है, तो वही ग्राम सभाओं का जो है एजेंडा क्या है वो आज हम आज के वीडियो में देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एजेंडे हमें लेना है 8 मार्च की ग्राम सभा में, तो वो पूरा देखेंगे हम दोस्तों आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो जो है आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हम सीधे आदेश पर ही आते हैं। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 3 मार्च 2023 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं क्या क्या एजेंडा है। तो विषयांतर्गत लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के संबंध में नियमित एजेंडा बिंदुओं के साथ स्थानीय कार्यसूची विषय को शामिल करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित करें। इस हेतु एजेंडा बिंदु विषय निम्नानुसार हैं, ठीक है। तो क्या क्या बिंदु है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम। पहला, लाडली बहना योजना पर चर्चा। जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी सबसे महत्वपूर्ण जो योजना चल रही है वो लाडली बहना योजना है। तो लाडली बहना योजना पर चर्चा, महिलाओं के मध्य स्वच्छता सभा के आयोजन पर चर्चा, ठीक है। ये भी एक अच्छा है कि स्वच्छता सभा रखनी है महिलाओं के मध्य, तो उसके आयोजन पर चर्चा करनी है। ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत एवं महिला सशक्तिकरण पर चर्चा, ठीक है। तो ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत एवं महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर चर्चा। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता पर चर्चा, ठीक है, कि पूरे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छ जल है या नहीं, तो उसकी उपलब्धता पर चर्चा। ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम पर चर्चा। शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल जल योजना के रख रखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा। पंचायत पुरस्कार योजना पर चर्चा। कुपोषण मुक्त ग्राम पर चर्चा। शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सभा के समक्ष रखना। इसके बाद महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूचियों का वाचन। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, आप जो है, मैंने वीडियो बनाया भी किस तरह से हम पूरी पेंशन सूची डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग से भी पूरी पेंशन सूची ले सकते हैं, अपने घर बैठे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी सूची जो है हर पेंशन योजना अंतर्गत, तो उनके लाभ लेने वाले हितग्राहियों की पूरी सूचियों का हमें वाचन भी करना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आरोग्य में प्रदाय की गई सेवाओं एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी योजनाओं पर चर्चा। फिर अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से, ठीक है। तो ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान बैठक की वीडियोग्राफी भी की जाए, भले ही वह मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो। तो दोस्तों, अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जो हमने एजेंडा देखा 8 मार्च 2023 का, जिस दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उस दिन ग्राम सभा का आयोजन होना है, तो उसमें ये जो हमने एजेंडा देखे, ये सारे बिंदु लेना है। और भी हम जो है बिंदु रख सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जैसे सरपंच महोदय की अनुमति से, और भी बिंदु हम इसमें जोड़ सकते हैं, बाकी ये बिंदु तो लेना ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हर छोटी से बड़ी जानकारी से अवगत होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़िए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।